हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सूर्य इलेक्ट्रिक चिमनी का डिस्को मॉडल को कैसे रिपेयर किया जाता है। वैसे इसमें आम तौर पे कोई भी ऐसे पार्ट्स नहीं है जो जल्दी से ख़राब हो जाए, फिर भी कई बार ये प्रोडक्ट ऑनलाइन कई बार ऐसी जगहों तक चला जाता है जहां तक कंपनी के सर्विस सेंटर नहीं होते हैं। उस केस में ये वीडियो उनके लिए बहुत मदद करता है जिनके कोई फॉल्ट आ जाते हैं। आमतौर में इसमें तीन ही पार्ट्स ऐसे होते हैं जो जनरली ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि एक मोटर होती है, एक सामने लगे हुए बटन पैनल होता है और एक कैपेसिटर होता है। इसे ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे पार्ट्स औजारों की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए हमें मेनली सिर्फ दो ही पार्ट चाहिए होते हैं, एक होता है एक स्क्रू ड्राइवर और दूसरा होता है किसी भी तरह का एक प्लायर। जैसे आप सामने देख सकते हैं, हमने एक नोज प्लायर रखा है, आप इसकी जगह एक सिंपल प्लायर या तोता प्लायर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसमें पूरी तरह से इसको चेंज करने के लिए सफिशेंट होता है। अब हम इसे देखते हैं कि हम इसे रिपेयर कैसे करना होता है। सबसे पहले हमें इसके अंदर से इस पे प्लास्टिक के लगे इस ऑयल कलेक्टर कप को हटाना होता है ताकि वो टूटे नहीं। उसके बाद इसमें ना एक बोट टाइप फिल्टर होता है नीचे, जो दो स्क्रू से उसके साथ टाइट किया जाता है, हमें उसे खोलना होगा। इस वीडियो को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इसके स्क्रू गुम ना हो, क्योंकि कई बार ना ऐसे ऐसे इसके स्क्रू हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो आप एक कटोरी रख लीजिए ताकि आप अपने सारे स्क्रू उसके अंदर इकट्ठे कर सकें। उसके बाद हमें इसके ऊपर लगे हुए ग्लास को हटाना होगा, जो चार स्क्रू से इस पे टाइट किया जा सकता है। जैसे आप सामने देख सकते हैं, ये दो स्क्रू आगे की तरफ, दो स्क्रू पीछे की तरफ। और ये ग्लास सामने की तरफ से सीधा खींचने से बाहर आ जाएगा। इसे बस हल्का सा ऊपर करना और ये बाहर होगा। इससे अब हम जब चिमनी को रिपेयर करेंगे तो हमारे ग्लास टूटने का कोई डर नहीं रहेगा। अब हमें इसमें सबसे पहले इसके ऊपर लगे हुए पाइप होल्डर, जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक का आप सामने देख रखता है, उसे खोलना होगा। इसकी फिटिंग में चार स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। ये चार स्क्रू खुलने के बाद ये पूरी तरह से इससे अलग हो जाएगा। उसके बाद हमें ये हाउसिंग होती है जिसके अंदर मोटर और ब्लोअर फिट किए जाते हैं। ये ऊपर टॉप बॉडी से कसा हुआ होता है इन आठ स्क्रू की मदद से। अब हमें सबसे पहले इन आठ स्क्रू को खोलना होगा। उसके बाद ये आठ स्क्रू खोलने के बाद इस पूरी हाउसिंग को अच्छे से डीअसेंबल करने से पहले हमें इसके पीछे लगे इन दो स्क्रू को भी खोलना होगा, ताकि पूरी हाउसिंग उससे अलग हो जाए बॉडी से चिमनी की। अब उससे पहले अगर हम पूरी हाउसिंग को बाहर निकालें, हमें सबसे पहले इसके पैनल को खोलना होगा, जो कि एक स्क्रू से ऊपर की तरफ से टाइट किया जाता है। डीअसेंबल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लाइट ब्राउन कलर की वायर मोटर के चार वायरें हैं, जैसे मैंने आपको अलग से सेपरेटली शुरू में दिखाया था। ये चार अलग अलग रंगों के साथ कनेक्ट की जा सकती है। मैंने इसके कलर कोड आपके लिए लिख के रखे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें एक तरफ मोटर वायर कनेक्शन है, जैसे रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू। अक्सर क्या होता है, हम लोग जब चिमनी को डीअसेंबल करते हैं तो हम कई बार ये ध्यान नहीं रहता कि हमें कौन सी तार किससे जोड़नी है। तो इसमें उसके सामने चिमनी में लगे हुए कनेक्शन है जो मोटर के साथ कनेक्ट होंगे। जैसे रेड को हमें चिमनी के येलो कलर वायर के साथ कनेक्ट करना है, मोटर के हमें येलो कलर को उस ब्लैक कलर की वायर के साथ कनेक्ट करना है जो आगे चल के उस छोटे से कैपेसिटर के साथ जुड़ी हुई होती है। ये कैपेसिटर होता है। उसके बाद हमें अगली तार जो उसके अंदर ब्लैक कलर की होती है, उसे भी एक ब्लैक कलर की वायर के साथ कनेक्ट करना होता है, जो एक पैनल की वायर होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर हमें ब्लू वायर को एक छह वायरों का जंक होता है, जो इसमें सप्लाई भी होती है, कैपेसिटर भी होता है, उसके साथ कनेक्ट करना होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये टोटल छह वायरों का सिंगल जंक होता है, जिसमें से ये वाली तार आपकी मोटर से आती है। हमें ये वाली तार एक बार इसमें से निकालनी होगी और दोबारा इसी के अंदर इसको कनेक्ट करना होगा। अब हम सबसे पहले इसमें से ना मोटर के कनेक्शन और इसमें लगे इन दो कनेक्शनों को हटाएंगे, ताकि हमें नीचे से हाउसिंग निकालना आसान हो जाए। हमें इसे बस थोड़ा दूरी से काटना है ताकि हमें रिकनेक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हमें
क्योंकि आम तौर पे लोगों के घरों के अंदर वायर कनेक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो हमें तार को बाद में मैनुअली कनेक्ट करना होगा ताकि हम उसे आराम से ज्वाइंट कर सकें, और उसके बाद हम उसे किसी भी सेफ वायर से, सेफ टेप से उसको सील करेंगे। अब इसी तरह से ये तो हीट पैड के वो होते हैं जो ऑटो क्लीन में हमारी हेल्प करते हैं। अब हमें उसे और हटाना है। क्योंकि हीट पैड उसकी हाउसिंग के ऊपर लगा हुआ होता है, अगर हम उसे अभी नहीं निकालेंगे तो हाउसिंग अलग करते हुए ये दोनों कनेक्शन टूट जाएंगे। अब हम इसकी हाउसिंग को निकालेंगे। इस हाउसिंग को निकालना बहुत आसान होता है, बस जैसे कि आप देख सकते हैं, बस इसे थोड़ा ऊपर करके हल्का सा घुमाना होगा और ये धीरे धीरे करके अपने आप आ जाएगा। अगर आप इसे बिल्कुल सीधा निकालना चाहेंगे तो इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। अब ये आपका पूरी तरह से अलग हो चुका है और बॉडी पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो चुकी है। अब हमें इसके ऊपर लगे हुए सबसे पहले राउंड सेफ्टी कवर को हटाना है। इसमें आमतौर पे 3 या 6 स्क्रू लगाए जाते हैं। उसके बाद इस नट को, ये नट क्लॉकवाइज नहीं कसा जाता, आमतौर पे सारे नट क्लॉकवाइज कसे जाते हैं, ये नट एंटी क्लॉकवाइज टाइट किया जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अगर इस हाउसिंग को टाइट पकड़ के इस नट को अगर हाथ से भी घुमाएंगे तो भी ये खुल जाएगा। उसके बाद हमें इसे सीधा सीधा निकालना होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये मोटर के साथ एक क्लिप के थ्रू फिट किया जाता है। जैसे ये आप कट देख रहे हैं ना, वापसी लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि ये वाला कट इस वाली क्लिप के साथ मैच करे। हम इसे इधर नहीं लगा सकते, हमें इसे इसी क्लिप के अंदर ही फिट करना होगा ताकि इसके अंदर कोई बबलिंग ना आए। अब हम देखेंगे कि हमें मोटर को कैसे बदलना है। मोटर में दो तरह के स्क्रू होते हैं, जब आप सामने की तरफ से देखोगे, एक होते हैं नट टाइप में और एक होते हैं स्क्रू टाइप में। हमें सिर्फ स्क्रू टाइप के नट ही खोलने हैं। ये नट इस बॉडी हाउसिंग के होते हैं, हमें इसे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमें इस तरह के नटों को इसमें से खोलना होगा जो कि 1, 2 और 3 है। अब हम इसकी जगह पे बिल्कुल नई मोटर फिट कर देंगे। हमें इसमें लगी हुई इस रबड़ हाउसिंग को वापस निकालना है सबसे पहले तो, और इसे नई वाली मोटर के अंदर लगा देना है। ये किसी भी तरह के वाइब्रेशन को बॉडी के साथ टकराने की वजह से होने से रोकती है। इस हाउसिंग को फिट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि ये सारे होल इसके अंदर मैच कर जाएं। ये परफेक्ट कट होता है पूरी तरह से। अब हम इस नई वाली मोटर को इसके अंदर फिट करेंगे। हमें पहले तार को इसके अंदर से लेके जाना है और फिर मोटर को उसी पोजीशन पे लगाना है जिस पोजीशन से हमने उसे उतारा था, और ये ध्यान रखना है कि इसके कट और इसके हाउसिंग के होल परफेक्टली मैच करें। एक बार दोबारा दिखाना, होल्स मैच हो रहे हैं। हो रहे हैं। ठीक है, चलो जिस पोजीशन से हमने इसे अब डीअसेंबल किया था, हम उसी पोजीशन से अब इसे वापस असेंबल करते हुए चले जाएंगे। ये हम पूरी तरह से टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप स्क्रू ड्राइवर से ये काम कर रहे हैं तो ये श्योर कर लीजिएगा कि ये पूरी तरह से आपके नट टाइट हों, क्योंकि मोटर जब
फुल स्पीड पे चलती हैं तो कई बार वाइब्रेशन आ जाती है अगर नट ढीले रह जाएं तो। अब हमें वापस उसके अंदर उसी ब्लोअर को फिट करना है जो हमने निकाला था। ध्यान रहे हमें अपने इस कट को मिलाना ही होगा, जिस कट को हमने आपको सबसे पहले बताया था। अब हमें ये देखना है कि हम इसे पहले 90 डिग्री पे कर लें और उसके बाद अपने हाथ से इस कट को भी 90 डिग्री पे करके ही इसके अंदर डालें। और इस नट को अब हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइट करना है। नट टाइट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बात दिखाना चाहूंगा। इसमें ये गैप कम से कम 6 चूड़ी का, यानी कि इसमें 6 थ्रेड्स का गैप होना चाहिए। कई बार हमें लगता है वो उसके अंदर टाइट हो गया है लेकिन वो टाइट नहीं हुआ होता, तो इसे थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे करके अगर हम हिलाएंगे तो वो उसके अंदर आराम से चला जाएगा। अब इस नट को टाइट करने के लिए हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होगा। इसे प्लास से टाइट करने की कोई जरूरत नहीं होती, अगर हमने एक हाथ से ब्लोअर को पकड़ा हुआ है तो दूसरे हाथ से हम इसे आराम से टाइट कर सकते हैं। अब हमारी मोटर पूरी तरह से इसमें चेंज हो चुकी है, अब हमें इसे वापस हाउसिंग के साथ उस चिमनी की बॉडी में फिट करना होगा और उसके कनेक्शन उसे में वापस करने होंगे। ये हाउसिंग ऐसी दिखती है अंदर से। अब हमें इसे फिट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो तारे हैं सबसे पहले हमें इसे ऊपर